बेटा घर तब अपना होता है जब अपने नाम हो। मैं तो कहती हूँ फहद से कहकर ना ये घर अपने नाम करवा लो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पापा आज अपने दूसरे बेटे के साथ सो रहे हैं। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, वो सारा दिन खेलता रहा है, बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था वो। अब तुम उसको कच्ची नींद से उठाओगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दरवाजा लॉक है। लॉक है? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कोई है बाहर? खोलो। तुझे बिन दुनिया खाली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुनेद को देख रहे हैं मुझे। लेकिन मैंने यहाँ आने से मना किया है ना? क्यों? ताकि आप लोग उसको सजा दे सकें? रुखसाना! चिल्लाइए मत! चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। रुखसाना, बात खत्म हो चुकी है। खामखा से बढ़ाने की कोशिश मत करो। बात अभी खत्म नहीं हुई। किस बात की सजा दे रहे हैं उस मासूम को कि उसकी माँ नहीं है? लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगी। तुम्हें सडनली उसकी बड़ी फिक्र है, जैसे वाकई उसकी परवाह है। कौन सी नई साजिश चल रही है? बस, अब और कोई तोहमत मत लगाइएगा, बहुत हो गया है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। क्या हाल है, कैसे हो तुम? ताई अम्मी, पापा बहुत गुस्से में। ताई अम्मी, पापा ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई बंद नहीं करेगा और पापा का गुस्सा ठीक हो जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे आपके पास रहने। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, अपने पास ही रखूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती? ले जाए आप मुझे अपने साथ। तुम्हें क्या बताऊं, बेबस हूं मैं, मजबूरी है मेरी। पापा मुझसे नफरत करते हैं, वो नहीं चाहते मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके पापा आपसे नफरत नहीं करते, आपको सब प्यार करते हैं, कोई आपसे नफरत नहीं करता। आप यहीं रहोगे और मैं आपके पापा से बात करूंगी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पर आपकी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। नहीं नहीं, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मैं आपके लिए करूंगी, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना, मैं हूं आपके साथ, ठीक है? मैं अभी जाके बात करती हूं। आ जाओ। बात कहां है? क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? मुझे बाहर से बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो तुमसे बात तो क्या, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता वो। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे जुनेद के मुस्तकबिल का फैसला करना है। तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती। बहुत जल्द तुम्हारी असली हकीकत, असली चेहरा इन सबके सामने आएगा, फिर तुम देखना फहद हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ से निकालेगा। फहद! ये क्या? जल्दी आओ, मुझे बचाए। क्या ड्रामा कर रही हो तुम? फहद! ये क्या हुआ? फहद, ये पागल हो गई है, अजीब सी बातें कर रही है मुझसे, इन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। ये झूठ बोल रही है। भाभी, खुदा का वास्ता है, बस कर दें बाप, बहुत हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने आके मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, मुझे कहा कि मैं आपसे तलाक लेके घर से चली जाऊं। जब मैंने इनकार किया तो मुझ पे हाथ उठाया इन्होंने। झूठी और मकार औरत है, ये ड्रामा कर रही है। भाभी, क्या जो ये कह रही है सच कह रही है? बिल्कुल गलत है, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने इस पे हाथ नहीं उठाया। इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी। अच्छा, और भला क्या बात करनी थी? क्यों सुन रहे हैं इनकी बात? नहीं, एक मिनट ठहर जाओ ना, बात करनी तो करने दो, बात नहीं। हाँ बोलिए। मुझे जुनेद के बारे में तुमसे बात करनी है। जुनेद की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बाप अभी जिंदा है और अब बहुत हो गया। मुझे ना तो आपसे कुछ कहना है, ना ही आपकी कोई बात सुननी। आज तक आपने जो कुछ किया मैंने आपको माफ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सायरा की वजह से। पर बदले में आपने क्या किया? धक्का देके मेरे बेटे को सीढ़ियों से गिरा दिया। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये इसने किया है। मैंने उसके बदले में भाभी आपका सिर्फ इस घर में आना बंद किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया।
लेकिन आप अब मेरी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ गई और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी पे हाथ उठाया आपने, और मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुला के आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन नहीं भाभी, ये सोच के रुक जाता हूं कि अब भी इस घर की इज्जत से जुड़ी हुई आप। सच तो ये है, तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं सुनना चाहता मैं सच। अब आप बराए मेहरबानी यहां से तशरीफ ले जाएं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है। पछताओगे तुम। सर शायद आई एम रियली सॉरी, मैं मैंने तो तुमसे कहा था यहां से चली जाओ, लेकिन तुम मेरी बात कहां मानती हो? आप मेरे इरादे और मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं सकते। तुम क्या करना चाहती हो रुखसाना? क्यों उन लोगों को परेशान करना चाहती हो? जरा देखो कहां से कहां आ गई हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आई। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे किसी चीज की चाह भी नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, वो है जुनैद। तो मैं तुमसे क्या कहूं? कहने को रह क्या गया, सब कुछ तो कह चुके हैं आप। आपको कुछ नजर नहीं आता? आप नहीं देख रहे कि घर का माहौल क्या हो गया? फहद कितना बदल गया है, लेकिन आपको ना कुछ समझ आता है ना कुछ दिखाई देता है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि तुम अब भी नहीं बदली। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम अब भी अपनी जिद पर रही हो। मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया रुखसाना, लेकिन अब सोचता हूं कि फैसला कर लूं। शायद मैं सायरा का वादा नहीं निभा पाऊंगा, और मैं ये भी फैसला कर रहा हूं कि आज के बाद तुम बच्चों से नहीं मिल पाओगी। आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं। मेरे भी बच्चे हैं, आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। वो मेरे बच्चे भी हैं और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह बने। मैं अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, ये याद रखिएगा। तुम्हें जहां भी जाना है रुखसाना जाओ, लेकिन आज के बाद तुम ना ही बच्चों से मिल सकती हो और ना ही इस घर में वापस आ सकती हो। माँ, अब आपकी कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा पाँव में? ठीक है, पहले से बेहतर है। नहीं अम्मा, आप अभी ठीक नहीं है। अब दो दिन तक और ड्रामा करना है कि पाँव में बहुत चोट लगी है और बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, इससे क्या फायदा होगा? फहद को इस वक्त आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह की शान, अपनी औलाद से ज्यादा दूसरों को मेरी फिक्र है, हैं? अम्मा, आप अभी भी मेरी बात पे नाराज हैं। नाराजगी कैसी? बस मुझे यहां से भेज दो। अम्मा, मैं ना उसको गुस्से में थी इसलिए उल्टा सीधा बोल गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी हर बात दिल पे रख के बैठ जाए। तुमने बात ही ऐसी की है, दिल पे ना लूं तो क्या सर पे रखूं? अरे अम्मा, मुझे नहीं पता था आपकी इस हरकत का उल्टा असर पड़ेगा। अब देखिए ना, आपकी वजह से जाने अनजाने में फहद जुनैद से बददिल हो गए, जो सबसे मुश्किल काम था। देख लिया तुमने, माँ अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। मैं जानती हूँ, इसलिए अब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना। मैं कौन सा आपको अपने आप से दूर कर रही हूँ। अच्छा पीछे हो जाओ, ये बताओ आप करना क्या है?
रुखसाना बाबा। सारा, तुम मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रही हो। ये क्या कह रही हो? मैं कोशिश कर तो रही हूँ। कोशिश नहीं है तो और क्या करूँ? मेरा तो अब घर में आना जाना भी बंद हो गया। मुझे तो मेरे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया। तो तुम्हें इस बात पर डर है? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ जुनेद की फिक्र है। मैं उसे सैरज से दूर रखना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ। पर तुम नाकाम, तुम कुछ नहीं कर पाए मेरे बच्चे के लिए। बताओ मैं क्या करूँ और क्या कर सकती हूँ? ये मैं क्या सोच रही हूँ? सायरा तो यहाँ है ही, पर मेरा वादा, उससे तो मैं नहीं भाग सकती। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? कैसे मदद करूँ जुनैद की? पापा? मैं तुम्हारी पापा नहीं हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? चली जाए यहाँ से। तुम्हें लगा था तुम्हारे पापा आएंगे तुमसे मिलने के लिए? मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि अब तुम्हारे पापा तुमसे कभी मिलने नहीं आएंगे। पर ताया अबू ने कहा था वो मेरे पास आएंगे। उन्होंने झूठ बोला था। नहीं, वो झूठ नहीं बोलते, वो उनसे प्यार करते और सच कहते। इसलिए क्योंकि वो नफरत करते हैं ना तुमसे, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। यही सच है। इस घर में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पापा तो तुम्हारी मम्मा से भी प्यार नहीं करते। देखो जुनैद, तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती कि यही सब तुम्हारे साथ होता रहे। बस तुम मेरी बात मान लो, मुझे मामा समझ लो, जो मैं कहती हूँ वैसे ही करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। नहीं, आप मेरी मामा नहीं है, मैं आपको मामा नहीं बुलाऊंगा। देखो, मैं फहाद को खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है वो। आप बहुत बुरी हैं, चली जाए यहाँ से। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा आपकी बात। ठीक है, मैं तो समझी थी तुम मेरी बात मान लोगे, समझ जाओगे, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे ही रहो। सरिश, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो जुनैद से मिलने गई थी। मैं इतनी रात को उठी है ना? मैं परेशान हो रही थी, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी मुझे। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से फहद बहुत गुस्से में थे।
उन्होंने जुनेद के साथ ठीक नहीं किया। वो बच्चा है, बच्चों से तो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। फहद तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा, जाने उसे क्या हो गया है। हाँ आप देखे ना, रोज मिलने जाते हैं वो जुनेद से। मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं गए, इसलिए मैं देखने गई थी उसे। सहरिशे जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाऊंगी फहद को, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सहरिश, जुनेद वाकई बहुत दुखी है, फहद से जरूर बात करना। जी जी मैं करती हूँ बात। अब देखिए ना, हमें ही ख्याल रखना है जुनेद का। अल्लाह हाफिज़। मैदान सही तरह से खाओ बेटा, परो के बैठो। चलो शाबाश। मॉर्निंग आंटी की तबीयत कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं। तुम एक काम करो, तुम उन्हें आज किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ। सुमित किधर है? अपने कमरे में ही है। तो नाश्ता नहीं करेगा? नहीं। ठीक है, मर्जी है उसकी। फहद ये आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगा? अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं क्या कर सकता? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे हमारे साथ बैठकर नाश्ता करना चाहिए। मैं लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं सरिश, बैठिए ना चुप करके। फहद बस कर दो यार, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, आखिर कब तक उसे सजा दोगे? भाईजान मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर बड़े छोटों के सामने झुकने लगे ना भाईजान, तो तमीज और तहजीब के कोई मायने नहीं रह जाते। और मैं जुनेद को बड़े छोटे की तमीज से खाना चाहता। अगर उसे अपनी गलती का जरा सा भी एहसास है तो वो खुद आ जाएगा, उसके पास कोई नहीं जाएगा यहां से। आप लोग प्लीज नाश्ता कीजिए। जुनेद बेटा ये देखो। ये लो, मैं आपके लिए नाश्ता लाया। पापा नहीं है? नहीं बेटा, वो पापा को मेरी फिक्र नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जुनेद बेटा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो अच्छा आए नाश्ता कर लिए वरना ठंडा हो जाएगा। आपू आपको पता आज कौन सा दिन है? अरे दिन जो भी हो, नाश्ते से क्या लेना देना। आए बिस्मिल्लाह। आज मेरी बर्थडे है, आप भी भूल गए? आपकी सालगिरह? अरे हाँ बेटा मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई, लेकिन आज शाम को ना I promise you, आपको अपना प्रेजेंट जरूर मिलेगा। पापा भी भूल गए, अगर मम्मा होती तो जरूर याद रखती। आए नाश्ता ठंडा हो रहा है, आओ।
बाद तुम जुनैद के साथ अच्छा नहीं कर रहे। देखिए भाईजान, मैं जानता हूं कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप बिला वजह उसकी तरफदारी कर रहे हैं। वो बच्चा है यार, बड़े तो तुम हो, समझदार हो। बच्चा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके जो जी में है वो करता फिरे और मैं कुछ ना बोलूं। भाईजान आप बिगाड़ रहे हैं उसे। मैं उसे बिगाड़ नहीं रहा हूं फहद, लेकिन सच बोलो तो मेरी लगता तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। मैं बाप हूं उसका, मैं दुश्मन नहीं हूं उसका। लेकिन क्या एक बाप को इतना भी याद है कि आज उसके बेटे की सालगिरह है? जुनैद की सालगिरह मैं ये मैं कैसे भूल गया? क्योंकि तुम बदल गए हो। जुनैद ठीक ही कहता, वो बेटा है मेरा। यही बात तो जुनैद को दुखी कर रही है। सालगिरह याद रखना तो दूर की बात है, तुम आज उससे मिले भी नहीं। फहद, क्या तुम भूल गए हो कितनी मुरादों के बाद जुनैद मिला है तुम्हें? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने और सायरा ने कितनी तकलीफें सही? उस मासूम सी जान से इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, उससे मैं सब कुछ भूल ही गया। मैं तो अपनी गलती अब ठीक करो। देखो इस वक्त वो अपनी मां को मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे वक्त की जरूरत है फहद। प्लीज जाकर उसे वक्त दो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं अपने बेटे का बर्थडे ठीक उस तरह मनाऊंगा जैसे उसकी मां मनाती थी। मैं भी जाता हूं, मनाता हूं उसे। गुड। अरे ये सब क्या है? ये घर सजाने का सामान है। घर सजाने के लिए? क्यों? जुनैद बाबा की सालगिरह है। ये जी, तुमसे घर सजाने के लिए किसने कहा है? बड़े साहब ने बोला अच्छे से घर सजा। अच्छा तुम जाओ। जुनैद की सालगिरह, वो भी धूमधाम से? क्या हो गया अचानक फहद को? अरे सरिश, चल तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ वो मैं हूँ। मैं क्या, और नान किधर है भाई? अपने कमरे में है। अच्छा उसको जाके बुला के लो, मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। शॉपिंग? हाँ भाई, मेरे बेटे का बर्थडे आज, इसके लिए हमने ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आने। क्यों? अच्छा जुनैद का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अब तो पता लग गया ना। अच्छा मैं नान को लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। जुनैद, जुनैद किधर है? पता नहीं, अभी तो यही था। क्या मतलब है यही था? तुमने देखा नहीं उसे? मैंने मैंने देखा है, वहीं जाके देखते हैं। तुम्हें मना किया था ना इस घर में आने के लिए। सच बताओ कहाँ है वो, तुम उसको लेकर गई थी? क्यों चिल्ला रही हो रुखसाना? बताओ मुझे जुनैद कहाँ है, बोलो। छोड़ो, होश में आओ। नहीं पीछे। अच्छा मुझे ये बताओ मेरा बेटा कि कहाँ जाना है, किस शॉप में जाना है? इधर, इस वाली शॉप में। चलो इधर चलते हैं भाई। चलो यार इधर देखें, कुछ चीजें तो अच्छी हैं यहाँ पे। अरे प्लेस्टेशन, ये ले ले। जी पापा, प्लेस्टेशन बहुत अच्छी है, वहाँ भी देखती। चलो वहाँ भी देखते हैं भाई। ये प्लेस्टेशन प्लीज पैक कर दें। अच्छा जी यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पर भी चीजें पड़ी हुई हैं। अब देखो मुझे बताओ क्या लेना है आपने। पापा वॉच देख, वॉच देखनी है यार।
ये वाली? हाँ अच्छी वॉच है यार, चलो ये ले लेते हैं। चलो जी लाइन जी, ये वॉच भी दे दें और वो भी पैक कर दें जो आपको मैंने भी दिया था। लाइन जी चले जी, चले मजे की चीज़। अदनान क्या हुआ? वो उससे चला नहीं जा रहा, मुझे गोद में उठा ले। बेटा मैं खुद थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर में घर जा रहे हैं ना। मैं नहीं जा रहा। अरे मैं, अरे क्या हो गया भाई? थक गया है, उसके पाँव में दर्द हो रही है। ओहो कोई बात नहीं, पकड़ो मैं उठा लेता हूँ अपने बेटे को। यार पापा मुझे भी गोद में उठाएं। बेटा भाई भी थका हुआ है ना, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको उठा लूं। चलो आ जाओ मेरा बेटा। चलो जी अब कहाँ चले, कहाँ चले? पापा चलो जी। अदनान बेटा आपके भाई की शॉपिंग तो हो गई, अब आई होप उसको गिफ्ट्स पसंद आए। मैं पूछता हूँ एक मिनट, जुनेद, जुनेद किधर है? पता नहीं अभी तो यही था। क्या मतलब है यही था, तुमने देखा नहीं उसे? मैंने मैंने देखा है, वहीं जाके देखते हैं। मैं देख कर आता हूँ। चल लेकिन एक माँ होने के नाते एक माँ का दर्द समझ सकती, इसलिए तुम्हारे बेटे का इलाज जरूर करवाऊंगी। वो अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा। तुमने जो मेरी औलाद के साथ किया है मैं तुम्हारी औलाद के साथ कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी औलाद को कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम सारी जिंदगी मेरी माफी की तलबगार रहोगी और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूं कि पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को हर बला से हर अजाब से दूर रखूं। जुनेद को कोई तकलीफ ना पहुंच सके, उसे खुश रखूं। क्या करना चाहती हो रुसाला? क्यों उन लोगों को परेशान करना चाहती हो? जरा देखो कहां से कहां आ गई हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आई। शायद मैं सायरा का वादा नहीं निभा पाऊंगा, और मैं ये भी फैसला कर रहा हूं कि आज के बाद तुम बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी। क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते? मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं। मेरे भी बच्चे हैं, आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। वो मेरे बच्चे भी हैं और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह बने। मैं अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, ये याद रखिएगा। तुम्हें जहां भी जाना है रुखसाना जाओ, लेकिन आज के बाद तुम ना ही बच्चों से मिल सकती हो और ना ही इस घर में वापस आ सकती हो। लेकिन आप अब मेरी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ गई और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी पे हाथ उठाया आपने, मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुला के आपको पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन नहीं भाभी, ये सोच के रुक जाता हूं कि अब भी इस घर की इज्जत से जुड़ी हुई आप। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, मुझे अपने साथ ले ले, मुझे आपके पास रहने दे। अब भाई साहब बात सुनिए, एक 6 साल का बच्चा इतना सा वो अपने स्कूल में नहीं देखा, अकेला फिर रहा होगा यहाँ पे। मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये अब पक्की बात है, जनाब बात सुनिए, एक 6-7 साल का बच्चा है, इतना सा है, ये इसकी तस्वीर है, आपने इसको भी नहीं देखा?
पक्की बात है सर, ये बच्चा एक छोटा सा 6 साल कितना सा, इसको तो नहीं देखा आपने? कहीं मिला? नहीं। नहीं यार, कहाँ चला गया? मैंने सारी दुकानों में पता किया। आप हौसला करें, वो कहीं नहीं जा सकता। सर, कैसे हौसला करूं? मेरा बेटा खो गया, तुम कह रही हौसला करो, पता करो। अच्छा, परेशान मत हो, आप एक काम करें, उधर ढूंढें, मैं उधर देखती हूँ। मैं मिले तो मुझे फोन कर देना। अच्छा, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। अगर अभी मैं इसे साथ ले गई, फाद वैसे ही इसकी बातों में आ गए हैं, और इस सबके बाद तो वो जुनेद का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अभी अगर जुनेद घर नहीं गया तो कुछ वक्त के बाद फाद भी इसे भूल जाएंगे, और फिर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं और अदनान होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही ठीक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो खुद ही जा रहा है, मैं क्यों इसके रास्ते की रुकावट बनूं? इसे जहां जाना है जाए, मुझे इससे क्या। शुक्र है आप मुझे नजर आ गए। आपको कहीं मिला जुनेद? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं मिला। मेरा ख्याल था तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें नहीं मिला? नहीं, मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आया। कहाँ चला गया? मैं वो मॉल के बाहर तो नहीं गया? नहीं नहीं, मॉल के बाहर कैसे जा सकता, यहीं कहीं होगा। नहीं, हो सकता है चला गया, मैं जाके देख। अरे रुके, कोई फायदा नहीं है, मैं बाहर तक गई थी, मुझे कहीं नजर नहीं आया वो। सरिश, हो सकता है तुमने ठीक से देखा था ना बाहर? हाँ फहद, मैं उसी को ढूंढने गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं कहाँ चला गया मैं। वहाँ देखते हैं। अच्छा वो चलो। हाँ पापा अभी तक आए नहीं मुझे ढूंढने, पापा मुझे भूल गए। अगर उन्हें मुझसे प्यार होता तो मुझे जरूर ढूंढने आते, पर अभी तक वो आए नहीं। पापा भी यही चाहते हैं ना कि मैं चला जाऊं। मैं अब पापा के पास नहीं रहूंगा। इस घर में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पापा तो तुम्हारी मामा से भी प्यार नहीं करते थे। जुनेद घूम गया? ऐसे कैसे घूम गया? पता नहीं भाई जान, मेरे साथ ही था, अचानक से गायब हो गया, पता नहीं चला कहां गया। अगर तुम्हारे साथ था तो अचानक गायब कैसे हो सकता है फहद? मेरी तवज्जो थोड़ी देर के लिए हट गई थी, मैं पता नहीं कहां गया। तुम्हारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए नहीं हटी होगी, कैसे गैर जिम्मेदारों की तरह बात कर रहे हो फहद? अचानक गलती होगी, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त मैं क्या करूं। तुमसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई।
आज इतना अहम दिन था उसका, सालगिरह थी उसकी, तुम उसे ले तो गए लेकिन। रशीद भाई आप ये क्या कह रहे हैं, आप इनकी हालत नहीं देख रहे, कितने परेशान है वो, अपने से ज्यादा तो अपने बेटे की परवाह है। अगर परवाह थी ना तो आज जुनैद यहाँ होता। उनका कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है, जुनैद मेरी जिम्मेदारी था, और अगर आज जुनैद नहीं मिला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई है ना भाईजान, मैं परेशानी में भूल गया मैं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ फौरन जाओ। जी मैं जाता हूँ, मैं भी रिपोर्ट लिखवा। शाबाश। रशीद, फहद कहाँ हैं आप लोग, कहाँ हैं? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं हो गई, पागल तो तुमने इस घर के लोगों को बनाया है। तुम्हें मना किया था ना इस घर में आने के लिए, फिर भी आ गई, एक दफा से समझ नहीं आती क्या? सच बताओ कहाँ है वो, तुम उसको लेकर गई थी, किधर है वो? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम उसको लेकर गई थी, तुमने जान के किया ये सब कुछ। क्यों चिल्ला रही हो रुखसाना? बताओ मुझे जुनैद कहाँ है, बोलो। छोड़ो, होश में आओ। कितना समझाया मैंने आपको, उस औरत को नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसे ये जान के किया है। कितना कहा मैंने आपको, क्या ख्याल करें, ख्याल करें जुनैद का, उसकी जान को खतरा है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या कहना चाहती हो? ये चाहती थी कि जुनैद इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, इसने जान के किया ये सब कुछ। सोना जानबूझकर किसी ने कुछ नहीं किया है, वो घूम गया, एक हादसा है। हादसा नहीं है, ये तो चाहती थी कि वो बच्चा यहाँ से हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चला जाए, इसने जान के किया ये सब कुछ। बताओ कहाँ है जुनैद? वैसे ही जुनैद की वजह से यहाँ सब लोग बहुत अपसेट हैं। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी जब तक जुनैद मिल नहीं जाता, और अगर जुनैद को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? तुमने उसे सच में गुम नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही गुम हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेटा। वो जाना चाहता था, मैंने उसे रोका नहीं, इसमें क्या गलत है? फहद, सायरा अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गई थी, तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सके, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बस बहुत हो गया। ये तो बेटा बहुत अच्छा हुआ। हाँ माँ, मैं तो हैरान हूँ, ऐसा हो गया जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? क्या तुमने उसे सच में गुम नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही गुम हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेटा। अम्मा मुझे अच्छी तरीके से जानती है ना, मेरे तो वहमो गुमान में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तुमने उसे जाने तो दिया ना, बात तो एक ही हुई। कहाँ से बात एक हुई? वो जाना चाहता था, मैंने उसे रोका नहीं, इसमें क्या गलत है?
बाज़ औक़ात इंसान अपनी बुराई पर अच्छाई का पर्दा डाल लेता है, पता? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी भी औलाद है और मैं नहीं चाहती किसी और की वजह से उस पे कोई आफत आए। लेकिन ये तो बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे हक में, बस अब तुम हो, फाहत है, बच्चा है और बस, दरमियान में कोई है ही नहीं। है ना एक बीच में वो रुखसाना, उसकी तो तुम फिक्र करना ही छोड़ दो, उसकी तो सिर्फ जबान चलती है, कर कुछ नहीं सकती। वो धमकी दे के गई है, रशीद भाई पे ऐसे चिल्ला रही थी, मैंने पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा। धमकी देकर गई है, उसकी तुम फिक्र मत करो, उससे मैं देख लूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, याद रखेगी। धमकी देकर गई है, बड़ी आई धमकी देने। मैं वापस चली मम्मा, चाहे घर कब आएगा? पता नहीं कब आएगा, लेकिन अल्लाह करे जहां भी हो खैरियत से। मम्मा चले तो वापस तो आ जाएगा ना? इंशाल्लाह वापस आ जाएगा, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो? नहीं, ऐसी बात नहीं करते, बुरी बात मुंह से नहीं निकालते, बस दुआ करो उसके लिए। मम्मा मुझे जुनैद के लिए रोना आ रहा है, वो ठीक तो होगा ना? मुझे तो उसकी किस्मत पे रोना आ रहा है, पहले मैंने उसकी जिंदगी को मुश्किल किया और अब सहरिश ने, बहुत दुख उठाया उसने। अब जुनैद के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसके साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर आ जाएगा। खाने को दे दे। बेटा आपके पास पैसे हैं? नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। चलो निकलो भाई, शाबाश चलो। फहद आप कहाँ रह गए थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या पता चला फहद? कुछ पता नहीं चला मुझे। आप फिक्र नहीं करें, जुनैद मिल जाएगा। मगर तुम तो रिपोर्ट लिखवाने गए थे ना, तो क्या कहा पुलिस ने? यही कहा कि ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा। सुकून मिल गया तुम्हें फहद? आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, सायरा भी चली गई और अब जुनैद भी चला गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? रशीद भाई इनसे कहे ना चली जाए यहाँ से। क्यों बकवास कर रही है रुखसाना? मेरे जाने से क्या होगा, हकीकत तो नहीं बदलेगी ना, जुनैद तो वापस नहीं आएगा ना। फहद सायरा अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गई थी, तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सके, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। तुम अपनी बकवास बंद करो, चलो चलो। अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं तुम्हें, चलो मेरे साथ चलो। याद रखना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी सायरा। चलो चलो रुखसाना। फहद अब तो ठीक है ना? Oh.
प्लीज वापस आ जाए पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा पापा प्लीज वापस आ जाए पापा, तुम मुझे छोड़ के चली गई। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे, पर मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ ढूंढूँ उसको, किधर गया होगा चले, कुछ नहीं कर पाई मैं उसके लिए। उस बेचारे के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी तो मैं हूं। सोचा था अपने गुनाहों की माफी का कोई जरिया मिल गया है मुझे, पर वो जरिया ही कहीं खो गया। शायद मेरे गुनाहों की कोई माफी है भी नहीं। क्या जवाब दूंगी सारा को, उसकी बातें रोज मेरे कानों में गूंजती। रशीद ठीक ही कहते हैं, क्या कर लिया मैंने खुद के साथ, क्या थी क्या हो गई मैं, पागल हो जाऊंगी मैं, ये घर ये अकेला पाना, सारा के गूंजते हुए सवाल, दम घुटता है मेरा यहां, मैं यहां नहीं रह सकती। क्या हुआ? सर जुनेद का कुछ पता नहीं चला। आप हौसला रखें, मिल जाएगा जुनेद। कैसे हौसला रखूं सर? बेटा पता नहीं कहां पर है, किस हाल में? आपका हौसला ही उसे वापस ला सकता है। आप अभी अगर हौसला छोड़ देंगे तो कैसे ढूंढेंगे उसे? अच्छा आप कुछ खा तो ले, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख नहीं मुझे। भूखे रहने से जुनेद वापस आ जाएगा। जानता हूं नहीं, लेकिन कैसे खा लूं? मेरा बेटा पता नहीं कहां पर है, किस हाल में, पता नहीं उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। ना करे जुनेद, जहां भी हो खैरियत से। सब मेरा कसूर है सर। जब मैंने ठीक से तवज्जो दी होती ना उससे, तो ये सब कभी ना होता। सब मेरा कसूर। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। आपने हमेशा एक अच्छा बाप होने का सबूत दिया। सर ये सब मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से। मैं तो अपने बेटे के जज्बात को ठीक तरह नहीं समझ सका कि वो क्या चाहता। मैं वो कसूरवार। क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है। तो बेटा ये कचरे में से उठा के क्यों खा रहे हो? मुझे खाने दे, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। बेटा ये खराब है,
ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अब मैं क्या करूँ, कोई मुझे खिलाने वाला है ही नहीं। बेटा खिलाने वाली दाद अल्लाह है, तुम लोगों पे क्यों भरोसा करते हो? चलो मेरे साथ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे? मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा और वहाँ पे तुम्हें खाना भी मिलेगा। ऐसी कौन सी जगह है? चलो मेरे साथ। भाईजान मैं कब से कॉल कर रहा था आपको, आप कहाँ चले गए थे? जुनैद को ढूंढने गया था फहद। जुनैद को ढूंढने कहाँ? वही जहाँ खो गया है। ये कौन सी जगह है? बेटा ये वही जगह है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ खाना मिलता है? हाँ बेटा खाना मिलता है। अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कौन सी जगह है? बेटा ये वही जगह है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ खाना मिलता है? हाँ बेटा खाना मिलता है। अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है। एक बात बस, मेरे बेटे ने बहुत दुख देखे हमसे मिलने से पहले। वो माँ बाप की मोहब्बत से कितना महरूम रहा। मैं सोचती थी कि अपने बेटे को इतनी खुशियां देंगे कि वो उसकी जिंदगी के सारे गुजरे हुए पल, उसकी तकलीफें हम पूरी कर देंगे खुशियां देख कर। लेकिन मेरी किस्मत ने मुझसे वफा नहीं की। मेरे ये सारे ख्वाब पूरे करेंगे, वादा करें सर प्लीज। वादा करता हूँ तुमसे। अब मैं सुकून से भर सकूंगी क्योंकि मुझे ये पता होगा
क्या खुश है जुनैद, खुश है। ये मुझसे क्या हो गया सायरा, मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया, नहीं पूरा कर पाया। बस एक बार मेरा बेटा मुझे मिल जाए, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, मुझे एक मौका दे दें अपनी गलतियों को सुधारने का। मेरा जुनैद, मेरा बेटा मुझे वापस कर दे अल्लाह, मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, मैं फहद बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता लग, इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज ढूंढे ना उसे, पता नहीं किधर होगा, किस हाल में होगा इस वक्त वो। जी हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे सबर करूं, मेरा बेटा गुम गया। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको जैसे ही कुछ पता लगे प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। जी ओके ओके जी, खुदा हाफिज, थैंक यू। भाईजान मैं कब से कॉल्स कर रहा था आपको, आप कहां चले गए थे? जुनैद को ढूंढने गया था फहद। जुनैद को ढूंढने कहां? वहीं जहां खो गया है। दिल को मुतमैन करना चाहता था कि शायद मिल जाए, नहीं मिला ना। मालूम था मुझे, बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। वैसे पुलिस क्या कह रही थी? जी अभी हुई इंस्पेक्टर से बात, वो कह तो रहा जैसे मिलेगा कुछ पता लगेगा तो कॉल करेगा। फहद फिक्र मत करो, मेरा दिल कहता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मिल जाएगा, हौसला रखो।